नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम जी। यहाँ पेश है राजस्थान की आज की टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ी खबर की। आपको बता दें कि अब राजस्थान में होंगे देश के सबसे ज्यादा सरकारी नर्सिंग कॉलेज। 7 बीएससी नर्सिंग कॉलेजों को प्रशासनिक अनुमति मिल चुकी है। प्रदेश में बीएससी नर्सिंग कोर्स करने वाले 7 छात्राओं के लिए बेहद अच्छी खबर है। सत्र 2021-22 में 7 जिला मुख्यालय पर 420 सीटों पर यह प्रवेश मिल सकेगा। शिक्षा विभाग ने राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के अधीन सीकर, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, पाली और करौली में बीएससी नर्सिंग कॉलेज संचालित करने की प्रशासनिक अनुमति दे दी है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 19 नए केस मिले हैं। आपको बता दें कि राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में कोरोना के 24 घंटे में 19 नए केस मिले हैं। जयपुर, उदयपुर, झालावाड़ समेत 9 जिलों में ये मरीज सबसे ज्यादा राजधानी जयपुर से मिले हैं। झालावाड़ में दिसंबर में पहला नया केस मिला है। वहीं पूरे राज्य में आज 18 मरीज रिकवर भी हो गए हैं, जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 218 हो गई है। वहीं राजधानी जयपुर में आज 4 ओमिक्रॉन संक्रमितों की भी रिपोर्ट आई है, जिसमें से 2 मरीजों की RUSS में भर्ती करवा दिया गया है। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान की रिपोर्ट पर नजर डालें तो आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में 8 केस मिले हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, उत्तरी राजस्थान में कल से घने कोहरे की चेतावनी। मौसम विभाग ने किया अलर्ट जारी। गंगानगर, हनुमानगढ़ में 3 दिन का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तापमान बढ़ने से सर्दी से भी बड़ी राहत मिली है। पिछले 4 दिन से पड़ रही कड़ाके की सर्दी से बुधवार को लोगों को राहत मिली है। राजधानी जयपुर, कोटा, चूरू, सीकर समेत राजस्थान के सभी शहरों में न्यूनतम तापमान 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर में बीती रात पारा 10 डिग्री सेल्सियस में ऊपर दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने 23 दिसंबर से अगले 3 दिनों तक उत्तरी राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ बेल्ट में घना कोहरा पड़ने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि कोहरे के कारण इन एरिया में विजिबिलिटी 100 मीटर तक रह सकती है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कंप्यूटर अनुदेशकों के लिए कैबिनेट में हुआ बड़ा फैसला। सेवा नियमों में संशोधन को मिली मंजूरी। कैबिनेट में फैसले के बाद अब भर्ती की जल्द विज्ञप्ति जारी भी हो जाएगी। आपको बता दें कि साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों के सेवा नियम भी बदल चुके हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आपको दे दें कि सबसे बड़ी खबर, 15 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर 7 दिन में पुलिस ने कोर्ट में पेश किया चालान। किशोरी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी उत्तर प्रदेश निवासी सुमेर रैदास को पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि दुष्कर्मी युवराज वीआर कॉलोनी रोड नंबर 17 विश्वकर्मा में किराए से रहता था। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आपको दे दें कि सबसे बड़ी खबर, जयपुर में एनओ काटा। 31 जनवरी तक सुबह और शाम पतंग उड़ाने पर रोक लग चुकी है। चाइनीज और सिंथेटिक धागा प्रतिबंधित भी हो चुका है। राजधानी जयपुर में पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लग गया है। जयपुर जिले के पुलिस आयुक्तालय की सीमाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में सुबह 6 से शाम 8 बजे तक और 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही किसी भी तरह के साइनीज और सिंथेटिक डोर से पतंग उड़ाने पर रोक रहेगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अब रिटायरमेंट के बाद भी सजा से नहीं बच सकेंगे भ्रष्ट कार्मिक। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने यह बड़ा और अहम कदम उठा लिया है। नौकरी में रहते हुए दुरासन, वित्तीय अनियमितता और घोर लापरवाही करने वाले कार्मिकों के खिलाफ विभागीय अफसरों की ढिलाई के कारण राज्य सरकार कार्रवाई नहीं करवा रही है, क्योंकि इस तरह की अनुशासनिक कार्रवाई में फंसे सेवानिवृत्त कार्मिकों के प्रकरणों को नियुक्त अधिकारी 4 वर्ष की तय सीमा निकल जाने के बाद राज्यपाल के पास कार्रवाई के लिए भिजवा रहे हैं। अफसरों की इस तरह की कार्यशैली को सरकार ने गंभीरता से लिया है, क्योंकि समय सीमा निकल जाने के बाद नियमानुसार इस तरह के प्रकरणों में सेवानिवृत्त कार्मिकों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करने में परेशानी आ रही थी, लेकिन अब वो नहीं बच सकेंगे सजा से। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आपको दे दें कि ये बड़ी खबर है, अब सिर्फ 2 परीक्षा के आधार पर नहीं आएगा रिजल्ट, हर दिन के प्रदर्शन का आकलन होगा। पहली बार बदलेगा प्रदेश के सरकारी स्कूलों में रिपोर्ट कार्ड का पैटर्न। प्रदेश में पहली बार 1 से 12 तक कक्षा के मूल्यांकन प्रक्रिया बदल जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला गुरुवार को उदयपुर में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में बैठक में ये बात कह रहे थे। इसी दौरान नई मूल्यांकन पद्धति के तहत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञों की असाइनमेंट सेल की लॉन्चिंग भी होगी। अब 1 करोड़ से भी ज्यादा विद्यार्थियों का मूल्यांकन सिर्फ द्वार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के आधार ही नहीं होगा बल्कि हर दिन के प्रदर्शन का आकलन होगा, ताकि विद्यार्थियों में स्किल्स और गुणों को जांचा जा सके। ये थी राजस्थान की आज की टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।